गाइस ये हमारा रूम था और हमने इमरजेंसी में इसको चेकआउट कर दिया भाई। रूम बहुत प्यारा था भाई, ये सिंगल बेड लगा हुआ था, एक ये डबल बेड था, ये बालकनी भी थी और ये मिरर भी था। रूम बहुत अच्छा था भाई, ये करो सीलिंग शीलिंग। रूम हमारा ऊपर था, यहाँ से नीचे होटल की लॉबी चेक करें जी। बहुत खूबसूरत होटल था भाई, जान LCD भी लगी हुई है 55 इंच की, क्या बात, खूबसूरत होटल। लाइट गई हुई है भाई, रात से बारिश ही नहीं रुक रही नारायण में, इस वजह से लाइट ही नहीं है नारायण के अंदर, रात से बारिश फुल ऑन हो रही है। कोस्टर में सामान बनना शुरू हो गया, ये अपने बॉयस और बारिश की वाइब्स, रात से भाई बारिश हो रही है, रात से भैया चेक करो, इट्स रेनिंग। अभी तो बहुत स्लो हो गया, सामने क्लाउड्स का व्यू चेक करो, ओए होए होए हो, नारायण की ठंड वाले वाइब्स। ये आपका नारायण बाजार, बारिश हो रही है बड़ी हैवी, पाइन है ब्लॉकिंग हुई है बिकॉज हर बंदा पंजाब तक जा रहा है नाश्ता करने। ऊपर क्लाउड का सीन चेक करो, नाइस टूशी, बहुत ठंडा हो रही है, देखो विंडो से अंदाजा हो रहा है बारिश हो रही है फुल ऑन। वंस अगेन जी लास्ट ईयर की तरह फिर से हम नाश्ता करने आ चुके हैं पंजाब टिक्का पे, चेक करो। जुवेर भाई कह रहे हैं हम आपको अच्छा नाश्ता कराएंगे आज, क्योंकि चार दिन से हमने पराठे और आलू की भुजिया वगैरह ही खाया। रश चेक करो भाई, फुल ऑन भरा हुआ है। पंजाब टिक्का से हमें मिल चुकी है नाश्ते में खमीरी रोटी, बड़े दिनों बाद चने हैं, खमीरी है, अंडे हैं भाई, चाय है साथ, ऑमलेट्स वगैरह, फुल मॉल है, पूरा टेबल सजा हुआ भाई, बॉयज़ का ये मशीन भाई साथ बैठे हैं, खजर नुमान सामने बैठे हैं, फुल सीन चल रहे हैं भाई पराठे के। नाश्ता हो गया हमारा डन, सबसे हैवी नाश्ता पंजाब से हुआ भाई, पंजाबियों वाला टेस्ट आया, चनों का भी ऑमलेट का भी। अब आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ से व्यू क्या मिल रहा है, ये पंजाब से व्यू मिल रहा है, ऊपर बादल और धुंध चेक करें, सामने बारिश हो रही है हल्की हल्की, ये पानी चेक करो, वो हमारी कोस्टर खड़ी है ब्रो, फुल मॉल मिल रहा है भाई पंजाब से, ये ऊपर धुंध चेक करो, हाय हाय हैवी ठंड है भाई, ये देखो सबने जैकेट्स पहनी हुई है मोटी। बहुत लाहौर जाके इतनी गर्मी मिलनी है ना, मैंने कहा अभी निकलने लगे लाहौर के लिए आखिरी दफ़ा इंजॉय कर लें, ये देखो भाई बारिश हो रही है हल्की हल्की, पानी गिर रहा है, क्या मौसम है नारायण का भाई, ये टॉप चेक करो पहाड़ों की, बादल ही बादल हैं बहुत यहाँ पे, ये चेक करो। आपने ब्लॉग्स भी देखने जाके, ठीक है डन, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग्स बने हैं। हाँ थैंक यू, थैंक यू आरिज भाई, थैंक यू। अच्छा जी ब्रो, ये हमारे दो टूर ऑपरेटर्स हैं, एक तो अपना बेली है और एक ये मुजम्मिल भाई हैं, इनकी कंपनी का नाम है दी नॉर्थ ट्रिप। जिस बंदे ने ज्वाइन करना भाई जान, अपने पेज का नाम जरा रिपीट करोगे, nortrips.pk, जिसने मैं इधर मेंशन भी कर दूंगा राइट या लेफ्ट साइड पे मेंशन हो जाएगा, जिसने कॉन्टैक्ट करना भाई के इंस्टा पे या भाई के पेज पे कॉन्टैक्ट करो, बेहतरीन फैसिलिटीज है भाई, कोई शक नहीं, आप व्लॉग में देख सकते। तो भी कुछ बोल रहा है दंदू, ओके भाई, बस वही बैठ गए हम, हमारा सफर स्टार्ट हो गया टूवर्ड्स लाहौर और बारिश हो गई, अभी भी हल्की हल्की हो रही, ड्रॉप चेक करो शीशे के ऊपर, अभी भी बारिश हो रही है नारायण में फुल ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही है ब्रो, मजेदार मौसम है भाई। लो भाई जान, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, हो गई आखिरकार लैंडस्लाइडिंग, तो लैंडस्लाइडिंग हो गई है भाई जान, चेक करो क्रेन आई हुई और क्रेन जनाब साहब पत्थर जो थे हैं उनको साइड पे कर रही है ब्रो, हैवी वाला रश लग गया, लेफ्ट राइट साइड हर जगह से रोड हो गई ब्लॉक, काफ़ी देर हम तकरीबन आधा पौना घंटा यहाँ पर खड़े रहे, हमारे यहाँ पहुँचने से काफ़ी देर पहले की ना ये लैंडस्लाइडिंग हो चुकी हुई थी, इसलिए ज़रा हमें कम टाइम फेस करने को मिला, आधा पौना घंटा हमने जस्ट वेट किया। ये ट्रैक था और यहाँ से जी पत्थर नीचे आए हुए थे और हैवी अमाउंट में पत्थर नीचे आए हुए थे, अभी आपको राइट साइड पर भी दिखाएंगे, इतने हैवी हैवी रॉक्स आए हुए थे नीचे, यहाँ से चेक करना भाई जान, शुक्र करो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे आए हुए थे, ये चेक करो, ओए हो अल्लाह ने बचाया भाई यहाँ पे। शॉर्ट स्टे हमारा इधर उन्होंने बालाकोट वाली साइड पर फ्यूल फिलिंग और वॉशरूम ब्रेक, तो चेक करो यार आज बादल इतने नीचे आए हुए ना, ये देख रहे हो खंबे की हाइट पर बादल, चेक करो पहली दफ़ा मैंने नारायण में ये सीन देखा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं आया था तो इस तरह नहीं था, बादल इस कदर नीचे हैं, ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ोगे ना तो बादल के अंदर घुस जाओगे आप, इतने नीचे बादल आए हैं। A few inches later, भाईजान एक और डेरे पे हमने स्टे मार लिया, वो बैठा है रफे, मैंने फ़ोन लगाया चार्जिंग पे, रफे और मुबशर भी बैठे हैं, भाईजान डेरा चेक करो क्या बात है भाई वाइब, ये बालाकोट में जगह बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश,
फुल पहाड़ों वाला मज़ेदार व्यू है। हमने पुलाव और शामी कबाब ऑर्डर कर लिए, वो हम खाने लगे लंच में। ये आ गए हमारे पुलाव भाई। शामी कबाब कहाँ है मेरे? वेज उसके साथ कोल्ड ड्रिंक और रायता के साथ आएंगे यार भाई मर्जी। नहीं भाई जाकल ठीक है भाई। भाई यहाँ पे इस तरह फ़ोन चार्ज करने पड़ते हैं, चेक करो केबल मेरी, फ़ोन लगा हुआ चार्जिंग है मेरा। तो वैसा कहते हैं ना फ़ोन को देते हैं थोड़ी देर चार्ज और हम रोटी खा के फिर बाहर निकलते हैं। मौसम बड़ा हैवी है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बाहर निकल के थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। उतनी देर हम खा लेते हैं रोटी। वो हमारी कोशिश कर रही है, सामने डेरे का व्यू चेक करो। ओए होए 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 यार ये वाइब है जहाँ से हमने अभी रोटी खाई है। मॉम लाइट्स वाला जो इन्होंने सीन डाला हुआ ना एक्स है पूरा यार, बहुत प्यारा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। आउटडोर सेटिंग भी है लेफ्ट साइड है, बट ये इंडोर का जो स्वैग है ना ये बहुत लेवल है यार। ब्रो ये आ गए शहर का मोटरवे और पहाड़ ओवरऑल हो चुके हैं गाइस, बल्कि दूर दूर से नज़र आ रहे हैं। ये मरी वाले जो पहाड़ होते हैं ना वो अब नज़र आएंगे हमें। बाकी यार सफ़र हमारा ख़त्म होने को है, थोड़ा सा रह गया। यस ऑफिशियली हाँ जी ख़त्म हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये हमारे तीन बहुत ही प्यारे भाई फ्रॉम गुजरात। इसमें जो स्पेशल वन है ना वो ये भाई है। इस भाई का नाम क्या रखा है? ओके यार भाई अपना ख्याल रखना है भाई, बड़ा अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलके। ओके यार आप लोगों को ये तो मैंने बताया नहीं तड़तड़ वाला सीन क्या है। जो मैंने आपको मुसल्ली दिखाया ना पीछे, वो भाई के ना हेयर स्टाइल उससे बहुत मैच करता था, इसलिए भाई का नाम हमने डाला था तड़तड़। समझ आ गई? फैसलाबाद के जितना भी ग्रुप था हमारे साथ इस दफा फिर से फैसलाबाद के बॉयज थे, उन सबको सी ऑफ कर दिया भाई। ओके यार बॉयज बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यार। अभी भी यहाँ से जी 150 किलोमीटर रहता है लाहौर, यहाँ पर टाइम हो गया 12:45 और नींद से बुरा हाल है। ठीक है बॉयज़ को भी उतार दिया, अब हम लोग रह गए 5-6 लोग बस के अंदर। 12:45 हो रहे हैं और अभी भी 150 किलोमीटर है, तकरीबन 3:15 हो जाएंगे मैं पहुँचते लाहौर में। 2000 years later फाइनली भाई पूरे 3 बजे हम पहुँच गए लाहौर, 3 बज गए हैं भाई पूरे रात को। एवरीबडी इज़ गोइंग होम, जहेर में और रफ़े हैं, नौमी और खैज़र हैं, और मुबशिर भाई ने ड्राइव करा लिया भाई, वो भी निकल रहे हैं घर के लिए अपने। एंजॉय करने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊं जिंदगी दुख देने में कभी कंजूसी करती है? उफ, उफ, कभी।